राहुल गांधी को ये बात उठाने से ज़्यादा कोई उनके सीनियर लीडर्स उठाते जी, क्योंकि अभी तक बात यह है कि राहुल गांधी की छवि एट अ स्ट्रीट पॉलिटिकल फाइटर उस तरह से नहीं बनी है जिस तरह के संजय गांधी की छवि थी। संजय गांधी की अभी इनकी बात की थी, संजय की और इंदिरा जी की। संजय गांधी ने यूथ कांग्रेस को क्रिएट किया था जी। उनकी स्ट्रीट फाइटिंग में बड़े बड़े लोग, बड़े एक्सपीरियंस लोग, कमलनाथ और डम्पी अहमद और गुलाम नबी आज़ाद और इस तरह के लोग जुड़े हुए थे। उनकी ब्रेन ट्रस्ट में जगमोहन जैसे लोग थे संजय गांधी की। मिसेस गांधी जो थी वो तो अब तो खैर वो शहीद हो गई, मगर वो जितना ही उनको इमरजेंसी के बारे में जितना ही भी उनकी निंदा करती है, और हम सब जर्नलिस्ट लोग ज़्यादातर और ऑपोजिशन उनकी पार्टी में से भी जो इमरजेंसी के लिए निंदा करती है, जिसके लिए उन्होंने एक बार माफ़ी मांगी थी, उनको वो बांग्लादेश की लड़ाई के बारे में याद रखते हैं। वो इंडिया की एक हीरोइन है। अब और इनके कदम में राहुल जी अगर चलना चाहें तो इनको एक मैच्योरिटी डिस्प्ले करनी पड़ेगी पार्टी लीडरशिप अस्यूम करने के लिए, क्योंकि इनका रिकॉर्ड आप मानना पड़ेगा, चाहे कोई भी कांग्रेस में है अभी जीरो है पॉलिटिक्स में, चाहे यूपी में हो, चाहे वोट गेटिंग में हो, चाहे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हो। और इनको इस तरह का बचपना जो केजरीवाल ने कहा, इस तरह से इनको अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने केजरीवाल पे डंडा उठाया अभी अभी जो डेमोलिशन के बारे में वहां पर दिल्ली के स्लम में, और केजरीवाल ने भाई हमने नहीं किया था, केजरीवाल गवर्नमेंट ने नहीं किया था, ये रेलवे मिनिस्ट्री ने किया था जी। अब वो क्या कर रहे हैं कि बीजेपी पे जो निशाना लगाने के बजाय वो निशाना लगा रहे हैं उल्टी और अपनी तरफ तीर चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे पार्टी जैसी जेडीयू है और ममता जी की पार्टी जो है तृणमूल कांग्रेस, वो केजरीवाल को सपोर्ट कर रही है जी। दिल्ली में कि क्योंकि उनकी सरकार को नहीं चलने दे रही, बीजेपी नहीं चलने दे रही। अब इनको यूनाइट करने की वजह जो कांग्रेस का एक 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 प्राथमिकता होनी चाहिए जी। तो इस तरह से वो बयान दे के इनकी यूनिटी तोड़ देंगे, क्योंकि केजरीवाल तो जब इनको बच्चा बताएगा और इनकी जो यूनिटी की तरह, और बात तो बिल्कुल सही है, इन्होंने बिल्कुल ही सिचुएशन मिसरीड किया जिस तरह से ये बेंगलुरु में जो माउंट कार्मेल कॉलेज में गए थे जब ये मोदी जी के खिलाफ बयान दे रहे थे, वहाँ पर इतने स्टूडेंट्स इकट्ठे थे और वो सोच रहे थे कि वो स्टूडेंट्स उनके साथ हैं। जब उन्होंने कहा कि मोदी जी के स्वच्छ अभियान पे उन्होंने निंदा की और कहा कि ये चल रहा है कि नहीं आप बताइए, वो समझ रहे थे लोग कहेंगे नहीं नहीं चल रहा, बिल्कुल बेकार है, वहाँ पर वो लोग मोदी जी की प्रशंसा करने लगे।